Good morning students how are you hope you all are fine at home yes dear students today we will read lesson 9 from book term pack term 2 first of all write down date what is the date today 11 january j a n u a r y january comma 2021 what is the day today today is monday एम ओ एंड डी ए वाई मंडेसी डॉट डब्ल्यू डॉट यस टूडे वी वी रीड लेसन नाइन ऑफ ई वी एस बुक टम्पैक टम टू बापू डू यू नो हु इज महात्मा गांधी येस रीड इट लैसन नाइन बापू डू यू नो हू महात्मा गांधी वॉज क्या आप जानते हो महात्मा गांधी जी कौन थे ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया वह भारत के महान नेता थे कौन थे महात्मा गांधी ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया ही बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड लव वह प्यार और सच और प्यार में सच्चाई और प्यार में क्या करते थे विश्वास रखते थे एंड ही आस्क्ड पीपल नॉट टू हर्ट एनी वन और वह दूसरों को दूसरे लोगों को चोट ना पहुंचाने की सलाह देते थे और वो कहते थे कि हमें किसी को भी चोट नहीं किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए हमें किसी को भी हार्ट नहीं करना चाहिए दुख नहीं देना चाहिए गांधी जी लव पीपल ऑफ इंडिया लाइक हिज ओन चिल्ड्रन जो महात्मा गांधी थे वो भारत के लोगों से ऐसे प्यार करते थे जैसे अपने बच्चों को कोई करता है गांधी जी भारत के लोगों को अपने बच्चों की तरह ही क्या करते थे प्यार करते थे द पीपल ऑल्सो लव्ड हीम जो लोग थे वो भी गांधी जी को प्यार करते थे दे कॉल्ड हीम बापू वे उन्हें क्या बुलाते थे बापू बापू विच मीन्स फादर जो कि जिसका मतलब होता है फादर पिता बापू वॉज अ सिंपल मैन बापू जो थे महात्मा गांधी जी थे वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति थे ही एट सिम्पल फूड वह साधारण खाना खाते थे एंड वो सिंपल क्लॉथ और साधारण ही कपड़े पहनते थे ऑफ फन ही वॉर जस्ट आ धोती एंड नो कुर्ता वो सिर्फ केवल धोती पहनते थे और कुर्ता भी नहीं पहनते थे ही लव चिल्ड्रन वो बच्चों को क्या करते थे बहुत प्यार करते थे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया ही बिलीव्ड इन टू थव एंड ही आस्कड पीपल नॉट टू हट एनी वन गांधी जी वॉज अ सिंपल मैन ही एट सिंपल फूड वी आर सिंपल क्लॉथ्स ऑफटन ही वॉर जस्ट आर धोती एंड नो कुर्ता ही लवड चिल्ड्रन येस कम टू द नेक्स्ट पेज वन डे अ बॉय केम टू बापू एक दिन एक लड़का बापू जी के पास आया गांधी जी के पास आया ही आस्क वाई अ ग्रेट मैन लाइक हीम डिड नॉट वियर नाइस क्लोज उन्होंने उससे कहा जो लड़का था उन्होंने गांधी जी से कहा पूछा कि इतने महान व्यक्ति होकर भी आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो क्योंकि गांधी जी वी अब ही वॉर धोती एंड नो कुर्ता सो ही आस्क्ड वाई अ ग्रेट मैन लाइक हिम डिड नॉट वियर नाइस क्लोथ तो इतने महान व्यक्ति होते हुए भी आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो वाई डोंट यू वेयर इवन अ कुर्ता यहाँ तक कि आप कुर्ता भी नहीं पहनते हो आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो माई मदर सीज़वेल मेरी जो मम्मी है ये जो बॉय है गांधी जी से बोल रहा है कि मेरी मम्मी सिलाई अच्छी सिलाई करती है आई आस् टू स्यू कुर्ताज़ फ़ॉर यू मैं उनको आपके लिए अच्छा कुर्ता सिलने के लिए बोलूँगा हाउ मैनी डू यू नीड आपको कितने की आवश्यकता है कितने आपको कुर्ते चाहिए या आपको क्लॉथ चाहिए हाउ डू हाउ मनी डू यू नीड बापू थाट फॉर आ वाइल्ड बापू ने थोड़ी देर सोचा जो महात्मा गांधी ने उन्होंने बच्चे की बात सुनी और फिर उसके बारे में सोचा ही थाट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ़ इंडिया उन्होंने इंडिया भारत के गरीब लोगों के बारे में सोचा ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर सिस्टर्स एंड चिल्ड्रन तो उन्होंने अब क्या रिप्लाई दिया जो ऑल इंडियन सारे जो भारतीय हैं मेरे भाई हैं बहन और बच्चे हैं मैनी ऑफ देम कैन नॉट बाई क्लॉथ उनमें से कितनों के पास क्लॉथ कपड़े नहीं हैं मैनी ऑफ देम कैन नॉट बाई क्लॉथ जिनमें से कितने कि कपड़े नहीं खरीद सकते आई वॉन्ट वियर आ कुर्ता दे ऑल हैव क्लॉथ मैं तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक उन सबके पास कपड़े नहीं होंगे टेल मी मुझे बताओ कैन योर मदर मेक क्लॉथ फॉर ऑल ऑफ दम टेल मी मुझे बताओ क्या जो तुम्हारी मदर है उन सब के लिए कपड़े बना सकती है गांधी जी इतने ट्रुथफुल थे इतने केयर करते थे कि उन्होंने कहा कि मैं आई वॉन्ट all have clothes. मैं तब तक कपड़े कुर्ता नहीं पहनूंगा जब तक वे सारे क्या है क्लोज कपड़े नहीं पहन लेते क्योंकि मैनी ऑफ दैम कैन नॉट बाई कितने ऐसे भारतीय हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते हैं इज दैट क्लियर बेटा तो आपको पता लगा हु महात्मा गांधी वॉज महात्मा गांधी महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया यू वील रीड दिस चैप्टर मोर दैन टू और थ्री टाइम्स थैंक यू हैव अ नाइस डे